साला। कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। अरे देवा, अरे देवा। अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। तो और मेरे भाई क्या हाल चाल है यार। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पापा की परियों की दुनिया में। और आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें पूरे 17 व्यूज आए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, जाओ जल्दी देखो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पापा की परियों का कोई तोड़ नहीं होता है, वो कब क्या कर दें और क्या करवा लें कुछ भी पता नहीं चलता। और भाई परियां तो आजकल उड़ने भी लगी हैं। और भाई साहब अगर एक बार इनके हाथ में स्कूटी आ जाए तो फिर तो भैया सारे पृथ्वीवासी इनको कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं, जो भी रास्ते में आता है उसको सीधा धुआं कर देती है। और हाँ, कोई बोल रहा था कि परियों में दिमाग नहीं होता, दिमाग यहाँ पे देखो भाई, इस लड़की को जाना है लेफ्ट में और इंडिकेटर दे रही राइट वाला। परियां तो होते ही अलग लेवल पर पहुंचती हुई जा रही हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये परियां हमेशा पीछे से ही अटैक क्यों करती हैं? तो सुनो, अगर वो सामने से अटैक करेंगी ना तो उनका मिशन फेल हो जाता है, इसीलिए हमेशा पीछे से उड़ाती हैं। भाई परियों के तो शौक ही निराले हैं। अब यहाँ पे देखो स्कूटी पे रील बनाई जा रही है। तो भाई मेरी आप सबसे विनती है, जो रील बनाते हैं भाई, जब रात में सोया करो ना तो कपड़े पहन के सोया करो। क्यों? क्योंकि क्या पता कब आ जाए, कब तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाए और तुमको मुंबई वाले रात में उठा के ले जाए। अच्छा। और ये पापा की परी रास्ते में खड़ी होती है किनारे पे, बोलती है आज तो मेरे पास स्कूटी भी नहीं तो कैसे ठोका जाए। फिर सोचा अरे मेरे पास 250 किलो का सर तो है, उसे ही भिड़ा देती हूँ। ये लो यार साले, बाइक चलाएगा रोड पे। और यहाँ पर देखिए ये पापा की परी स्कूटी लेके जा रही होती है, जगह नहीं है लेकिन घुसेगी जरूर। उनके घंटे से तुम लुढ़कते हो तो लुढ़क जाओ भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा की परी तो स्कूटी घुसेड़ के निकाल लेगी, लेकिन जो बाइक से खड़े थे वो भैया नाली में गिर गया। परी ने पलट के भी नहीं देखा कि वो आदमी जिंदा है या मर गया, नाले में बह गया। तो सुनो, अगर आपको कोई लड़की दिख जाए तो भाई कोई बात नहीं, उस पर लाइन वाइन मारो, आराम से टहलो। लेकिन अगर लड़की प्लस स्कूटी दोनों दिख जाए तो फिर तो समझ लेना भाई, तुम्हारी वहाँ से भागने में ही भलाई है, क्योंकि जब परियों को कोई नहीं मिलता तो अपने आप नाले में घुसेड़ देती है। बोलते हैं रोड पे चलाने में मजा नहीं आ रहा। भाई इन परियों को वश में करने का तरीका मैं एक तांत्रिक से पूछने गया, और उस तांत्रिक को जैसे ही परियों की कहानी सुनाई उसने बोला ऐसी तैसी भाई मैं बाबागिरी छोड़ रहा हूँ। बाबा तो योगा करते करते नदी में कूद गए। भाई इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरी स्कूटी कीचड़ में फंसी हुई है, लेकिन ये उसको छोड़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यही तो उसकी असली शक्ति है, इसके बिना पापा की परी कुछ नहीं होती। मैंने भी बताया था कि पापा की परी प्लस स्कूटी इज इक्वल टू तबाही। तो यार देखो वीडियो को दोबारा करके देखो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है बनाने। और हाँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आखिरी में अपना नाम लिख के जरूर जाना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।